नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में। और निफ्टी बैंक निफ्टी की चर्चा करेंगे 30 नवंबर के लिए कि दोनों में क्या हो सकता है, हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्या हमारा गेम प्लान रह सकता है। तो उसकी शुरुआत करने से पहले एक बार डिस्क्लेमर को देख लेते हैं। ये है डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रिसर्चलिस्ट नहीं हूँ, ये जो वीडियो बना रहा हूँ जस्ट अपनी पर्सनल नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप बाई सेल करते हैं तो पहले किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। और अगर आप स्टॉक्स में डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं, फिलहाल ऑफर है, फ्री में खुल रहा है। आपको ट्रेडिंग करनी है नहीं करनी, इन्वेस्टमेंट करनी है नहीं करनी है, खुलवा के रख लीजिए, बाद में कभी यूज़ करना हो कर लीजिएगा, ठीक है। इन दोनों को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, किसी से कहीं पर किसी प्रकार का भी कोई चवन्नी का रुपया भी नहीं है। और हाँ, मेरे नाम से अगर आप लोगों को कोई कॉन्टैक्ट करता है, ये मेरा नंबर है भाई, वो मैं नहीं हूँ। मेरा ना कोई प्राइवेट चैनल है, ना कोई प्रीमियम, ना कोई पेड, कुछ नहीं है मेरा। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर किसी के पास नहीं है, तो ये समझ जाइए। मेरे को दो लोगों के फोन आए कि नंबर नहीं लग रहा, बाद में मैसेज आया कि आपने जो नंबर दिया नहीं लग रहा। भाई मैंने नहीं दिया किसी को नंबर। चलिए एनालिसिस को शुरू करते हैं, निफ्टी का देखते हैं। निफ्टी में एक आज ठीक ठाक कैंडल बनी है, इसको डोजी डोजी तो नहीं बोल सकते क्योंकि बिल्कुल बीच में, ड्रैगन फ्लाई डोजी टाइप कैंडल बनी है, जिसमें हुआ क्या है, इसने अपने 100 EMA का रेजिस्टेंस लिया, 140 के लगभग, आपको याद होगा। मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन, तो मैं देख रहा था, ट्रेड मैंने कोई नहीं लिया भाई, आज मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, आज सिर्फ प्रॉफिट बुक किया, वो भी यहाँ पे कर लिया था, झूठ नहीं बोलूँगा मैं, सॉरी। जब खुला था नीचे की तरफ गया था 16,900, जब उसने तोड़ा मैंने वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया था। ये एक सपोर्ट हो गया है अभी 17,000, ये देखेंगे आप। आवरली कैंडल मैंने लगाई है, 30 मिनट की कैंडल, 30 मिनट भी 16,990 के नीचे ट्रेड नहीं किया इसने, 30 मिनट भी। 15 मिनट का एक बार चार्ट लगा के देखते हैं कि कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज हुई है, 15 मिनट की भी कोई कैंडल भैया, एक ही क्लोज हुई है बट अगले में खींच दिया। तो दो कंसेक्यूटिव कैंडल, ठीक है, 16,990 लेवल लिख लीजिए, दो कंसेक्यूटिव कैंडल बिलो 16,990, ये जो लेवल है इसके नीचे क्लोज होनी चाहिए, शॉर्ट मारिए बिंदास। अब कैसे, मान लो ये 16,990 की लाइन खींची, एक कैंडल यहां क्लोज हुई 12,45 हो गए, अगली कैंडल इसी के नीचे क्लोज हो, इसके लो के नीचे क्लोज हो, तब आपको SL रखना है 17,000 अबव। कोई 15 मिनट की कैंडल दोबारा क्लोज हो जाए वो आपका SL हो जाएगा, या फिर स्क्रीन में 17,030 आ जाए तब आपका SL हो जाएगा, या फिर कोई 15 मिनट की कैंडल 17,000 के ऊपर क्लोज हो जाए तब आपका SL हो जाएगा, और आपका नीचे का टारगेट रहेगा जो आज का लो है, जो आज का लो है यानी 16,800, ठीक है। और मैं यही ट्रेड देखने की कोशिश करूंगा, मेरा व्यू फिलहाल नीचे का ही है। हाँ, इंडिकेटर काफी ओवरसोल्ड हो गए, RSI वगैरह काफी ओवरसोल्ड हो गई है, उनको जनरली मैं देखता हूँ बट उसको ट्रेड से कभी नहीं मिला, तो ये एक चीज रहेगी, इस पर ध्यान रखिएगा, हो सकता है मार्केट कंसोलिडेट के उस करता हुआ आपको दिखे। अब आपको फिर बाय कब करना है, मैं जब तक बाय नहीं करूंगा, मैं डेली चार्ट पे आ जाता हूँ। इंट्राडे के लिए अगर आपको देखना है तो ये देख लीजिए आप, ठीक है, ये लाइन और एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न ही है ये, अगर मैं इसको भी ऐसे करूं, इसको इससे मिलाइए, अब ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो आपका पहला टारगेट जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 17,200, ये जो ऊपर की तरफ ब्रेक करता है 17,200 आप बाय कर सकते हैं, इसको ब्रेक करता है तो पहला टारगेट है 17,140। कल को यहाँ कहीं ब्रेक हो, यहाँ कहीं ब्रेक हो तो कल के दिन तो भाई, अब देखिए दोस्तों 1 बजे ब्रेक करेगा तो लेवल निकल के आ रहा है 17,075, सुबह सुबह ब्रेक करेगा 11 बजे तक ब्रेक करेगा तो लेवल निकल के आ रहा है 17,100, तो आपको स्क्रीन खोल कर रखनी पड़ेगी, ठीक है। और इसके गैप अप होता है तो सीधा 17,002 एक बार आपको ये लेवल दिख जाना चाहिए 17,160,
दूसरा आपका टारगेट रहेगा 17,205 और यहाँ पे प्रॉफिट कर ही सॉरी आपको स्क्रीन पे 17,200 के आसपास आप आते हैं और इस ट्रायंगल पैटर्न के हिसाब से आप बाई साइड में हैं। ध्यान से सुनिएगा, इस ट्रायंगल पैटर्न के हिसाब से आप ब्रेकआउट होने पे आप बाई साइड में हैं। मान लीजिए कल यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, आपने इसी लाइन का टेस्ट स्टॉप लॉस लगाया और बाई किया, इन केस आपका पहला टारगेट अचीव, दूसरा टारगेट अचीव, दूसरे टारगेट में आप 17,200 के लगभग पहुंच जाते हैं, 180-190 प्रॉफिट बुक करिएगा वहां, प्रॉफिट बुक करिएगा वहां पे, बाय साइड नहीं रहना है, ठीक है। शॉर्ट मत मारिए, मैं आपको बताऊंगा क्यों शॉर्ट मत मारिए, आपको 220 क्रॉस होता है कि नहीं उसका इंतजार करना। इन केस निफ्टी 17,220 इसको सस्टेन करता है ब्रेक करके, तब आपको फिर से बाय कर लेना है और आपका टारगेट रहेगा ये 281 पहला और 345 दूसरा। नोट कर लीजिए इन केस निफ्टी कल के दिन ये सिनेरियो भी नोट कर लीजिए, 17,220 को होल्ड कर लेता है, इसके ऊपर ट्रेड करने लगता है, आपको बाई करना है 17,281 ये आपका पहला टारगेट और 17,345 ये आपका दूसरा टारगेट। इसमें SL जो रहेगा वो रहेगा 17,200 के नीचे जाते ही आपका SL हिट। अगर आपने 220 के ऊपर बाई कर लिया, 17,200 के नीचे दोबारा चले जाए, SL हिट काट लो, दोबारा 17,220 को जाके ऊपर जाके ट्रेड करे, फिर से घुस जाओ, ठीक है। एक बार SL हिट, दोबारा अगर टारगेट आ गया 60 पॉइंट, फिर ये टारगेट आ गया तो प्रॉफिट आपका ज्यादा होगा, चाहे आपका SL भी हिट हो चुका हो एक बार। SL हिट तो SL हिट, उसको अपनी क्या प्रेमिका मानो, मिलन हो गया उसको, भगवान से खुश हो कि तुम्हारा स्टॉप लॉस बच गया, ज्यादा नुकसान नहीं हो पाया, चला गया नीचे की तरफ, पोजीशन ही नहीं काट पाओगे। पोजीशन काटना सीखो, ट्रेडिंग में आए हो, रेड कलर में पोजीशन है तो काटना सीखो उसको, ठीक है। ये सबसे पहली लर्निंग है। बड़ा लॉस हमेशा तभी होता है जब आप सोचते हो यार लॉस हो रहा है, प्रॉफिट में काटूंगा, समझ लीजिए इस चीज को। तो निफ्टी के दो सीन सिनेरियो हो गए, एक भैया 16,990 टूटे नीचे की तरफ, ठीक है, 15 मिनट की दो कैंडल के बेसिस पे जो सीन सिनेरियो बना हुआ है, मैंने आपको वही समझाने की कोशिश की है। ज्यादा हाथ पैर यहाँ पे मत चलाइए, मार्केट वोलेटाइल हो सकता है, तो आप बाय करोगे तो सेल की तरफ चला जाएगा, सेल करोगे तो बाय की तरफ चला जाएगा। ये जो दो कंडीशन मैंने बताई है, इन्हीं कंडीशन में ट्रेड लेना है, पुट साइड का और सी साइड का, उसी कंडीशन में ट्रेड, ठीक है। पोजिशनल व्यू मेरा नीचे की तरफ ही है और एक बार वीकली चार्ट और लगा के देखते हैं, मैं बैंक निफ्टी का अलग से वीडियो बना दूंगा दोस्तों। ये ट्रेंड लाइन टूट चुकी है, ठीक है, और वीकली चार्ट में 25 EMA में हाल तो मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ इसकी, 25 EMA की रिसर्च जारी है, अभी मैंने कुछ कंक्लूजन नहीं निकाला है इसके ऊपर, बट बहुत जल्दी ही आपको तीन से चार हफ्ते में ये लेवल तो जरूर देखने को मिलना चाहिए जो कि आता है आपका 16,000 के लगभग, ठीक है, 16,000 के लगभग तो निफ्टी आपको दिखना चाहिए, जो मेरी स्टडी जो मेरा एनालिसिस बोल रहा है। चलिए देखते हैं कल का आखिरी दिन है, मैं तो कल भी एक माफी नामा आएगा मेरा, चिंता ना करिए, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच गाइस, निफ्टी के जो मैंने सीन सिनेरियो आपको जो पैटर्न बताए हैं उसको ध्यान में रखिएगा, वो पैटर्न वो लेवल ब्रेक हो, जो SL मैंने आपको बताया वो SL रखिए और उसके आसपास की ही पी बाय करिए, ठीक है। नीचे ब्रेक होता है तो कम से कम 16,900 की पी होनी चाहिए और इंट्राडे की रखते हैं तो भैया इंट्राडे में 30-40-50 पॉइंट ऊपर नीचे लेके SL ट्रेल करके बुक करिए, ठीक है दोस्तों। और अगर ऊपर की तरफ आपका बाई साइड का बनता है जब वो ट्रायंगल ब्रेक होता है तो 17,100 की सी रखिए, 17,200 के आसपास पहुंचता है वहां पे बुक करिए, जब 17,220 को भी क्रॉस करके ट्रेड करने लग जाए तो 17,250-17,300 एटलीस्ट ये वाली सी लीजिए, 17,200 की लोगे तो बहुत बड़ी, और उसको बुक करिए 280-340 के पास, बाई साइड की सी को कैरी करके नहीं जाना, समझ लीजिए, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच।